जाते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। मकान खरीदते वक्त भी इस तरह से आपको बताया जाता है कि भाई वास्तु में क्या रखा है, क्योंकि बहुत से जो ब्रोकर होते हैं या जिनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है वो एक ही दलील देते हैं कि जो भगवान चाहते हैं वही होता है। ये बात सही है कि नियति पर किसी का वश नहीं है, जो लिखा के लाए वो होगा ही, लेकिन जो लिखा के लाए हैं और कुछ गलत होने वाला है तो आप उपाय भी नहीं करेंगे मित्रों, ये भी बात तय है। तो यदि आपको अपने जीवन की धारा को बदलना है, अपने ज़िंदगी के दुखों को कम करना है, तो परिवर्तन आवश्यक है ज़िंदगी के अंदर और अपने विचारों को भी बदलना आवश्यक है। यदि आप एक जिद पर अड़े हुए हैं कि आपको अपना घर का वास्तु नहीं बदलवाना, अपने घर के में कोई चेंज नहीं करना है, तो फिर अगर आपके घर में वास्तु दोष है, कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो फिर वो आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनको निश्चित रूप से मित्रों भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि भले ही आप इसमें विश्वास स्वयं ना करें, लेकिन परिजनों के हित की कामना यदि आपको है और आपके घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो उसको तुरंत दूर करें। मित्रों बहुत समय पहले की बात है, मैं एक पार्लर में गई थी, ब्यूटी पार्लर में, और उस पार्लर की जो ऑनर थी उस वो ज्योतिष में भरोसा नहीं करती थी। उसके घर में बहुत ज़बरदस्त वास्तु दोष थे। सबसे बड़ी तो चीज़ ये थी कि उसके घर में साउथ वेस्ट में एक भयंकर ही बेसमेंट बना हुआ था, पर्टिकुलर सिर्फ साउथ वेस्ट में ही, और उसकी एंट्रेंस भी वहीं से थी। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा होता है, और उसकी तुलना में जो ईशान है और जो पूरब था वो काफ़ी ऊँचा था, भारी था। मैंने उनको बोला था कि आप अपने घर का थोड़ा वास्तु सही करवा लीजिए तो सही रहेगा, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं कुछ टाइम बाद वापस उस पार्लर में गई और वो महिला मुझे नहीं मिली, और उनके किसी जो पार्लर में जो एम्प्लॉई थी लड़की, उसने बताया कि उनका जो लड़का था वो उन्हें छोड़कर जा चुका था और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया था उसी बेसमेंट में। और उसके बाद फिर बाद में पता चला कि उन्होंने वो मकान भी बेच दिया और फिर कहीं और शिफ्ट हो गई थी। लेकिन कुल मिला के यहाँ ये बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यदि कोई ज्योतिषी या वास्तुविद आपको अपना समझ के आगाह करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको पैसा कमाना है या ये अपना फ़ायदा देख रहा है। ये भी एक्चुअली नेगेटिव थॉट होते हैं। जैसे कि कोई ज्योतिषी यदि किसी को स्टोन बताता है और लोग ये कहते हैं कि भाई इनको तो पैसा कमाना है, तो ठीक है, आप उसी थॉट के साथ ज़िंदगी बिताइए। ज्योतिषी का आप क्या ले लेंगे या वास्तु कंसल्टेंट का आप क्या ले लेंगे? कोई आपको एक तो फ्री में एडवाइस देता है, कई बार ऐसा होता है ना, चलते चलते कोई मिल जाते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो एक फ्रेंडली एडवाइस दे देते हैं, और जब कोई समस्या आती है तो आप हजारों लाखों रुपए देकर भी अपनी सॉल्यूशन करवाते हैं किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ज्योतिष को नज़रअंदाज ना करें, आप माने या ना माने ज्योतिष हमारे जीवन का बहुत ही गहरा हिस्सा है। तो इस चीज़ का एक उदाहरण देकर मैंने आपको अपनी बात को स्पष्ट किया था। इसी प्रकार से नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। कई बार होटल का कमरा जो होता है जहाँ आप कहीं जाते हैं या कहीं किसी खास गेस्ट हाउस में रुकते हैं या कहीं पर भी, नंबर्स बहुत वर्क करते हैं। आप इसको चेक कर लेना, अगर आपका कोई एंटी नंबर है और उस नंबर में आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी आपकी मुसीबतों का कारण बन जाती है अगर आपको सही सीट ना मिले। हालाँकि उस पर किसी का वश नहीं होता है, किसी का वश नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप अलर्ट तो हो सकते हैं, आप सजग तो हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो मकान है उसमें कई तरह के दोष होते हैं, विशेष रूप से ऐसे घर में दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं जहाँ पर अग्निकोण में, अग्निकोण का मतलब फिर आप पूछेंगे तो अग्निकोण का मतलब ये होता है कि जो आपका दक्षिण और पूरब का कोना है उसमें अगर कोई पानी का टैंक बना हुआ है, कोई कुआं इत्यादि, कोई गहरा गड्ढा है, तो उस घर के लोगों को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ता है, स्पेशली महिलाओं को। जिनके घर में साउथ वेस्ट पीड़ित होता है, साउथ वेस्ट दिशा खराब होती है, उस घर के लोग योग्यता होते हुए भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जो जिसकी वो तमन्ना करते थे या जो वो डिज़र्व करते थे। तो आपको यदि तरक्की की कामना है तो घर में आप जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप उसकी तैयारी भी करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप पर मित्रों वर्क करती हैं। यदि आपको किसी उच्च पद की कामना है तो ये घर के छोटे मोटे वास्तु दोषों को टटोलिए। अब कुछ लोग कहते हैं किराए का मकान, चाहे आप किराए के मकान में रहिए चाहे आप घर के मकान में रहिए, कहीं भी रहिए, दोष दोष होता है और दोष रहने वाले पर व्यापक स्तर पर असर डालता है। तो इसलिए आज मैंने स्पेशली आपको बताया जो साउथ वेस्ट में जो अगर आपका बेसमेंट है
या आपके अग्निकोण में कोई पानी का टैंक वगैरह है, तो ये दोनों जबरदस्त भयंकर वास्तु दोष होते हैं जो किसी भी अच्छी खासी ज़िंदगी में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो इनको तुरंत आप दूर करवाइए, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि इस दिशा में ये यंत्र लगा दो या जाल से ढक दो, तो सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कुछ नहीं है। उसके रिजल्ट आपको मिलके ही रहेंगे, भले ही तुरंत ना मिले, कुछ वर्षों बाद मिले। तो उत्तम यही रहेगा कि इन वास्तु दोषों को आप दूर करके अपने जीवन को सुखमय बनाए। मित्रों, आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। भगवान आपको हमेशा प्रसन्न रखे। थैंक यू सो मच।